हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फायरमैन टेक। आज हम लोग आज सिंप्लेक्स पैनल का 4008 फायर अलार्म कंट्रोल पैनल सिंप्लेक्स का है, इसके बारे में आज सीखेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या चीज़ रहता है और इसमें डिवाइस कैसा देख सकते हैं और टाइम कैसा चेंज कर सकते हैं और डिसेबल कैसा कर सकते हैं, ये सब हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे पूरा सा। ओके, ये देखिए, ये सिंप्लेक्स का पैनल है 4008। ये देखिए ऊपर से यहाँ पे नैक 1 नैक 2 है। ये जो है बेल और साउंडर्स दे सकते हैं ऊपर में, जो इसका एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस जो है एंड ऑफ लाइन में लगा सकते हैं। यहाँ पे आके आपको लूप, ये एक ही लूप का पैनल है, लूप कनेक्टेड है, लूप इन और आउट। और ये देखिए यहाँ पे आपको इंटरफेस लगा हुआ है, ये दो, एक फायर है एक फॉल्ट है, इसमें आप लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ये 24 वोल्ट्स है, ये किसी एक्सटर्नल रिले लगाने के लिए यूज होता है, यानी कि एक्सटर्नल रिले के लिए। यहाँ पे बैटरी है 12 वोल्ट्स 7 एम्प्स की। ये देखिए, ये पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल पावर। ये बैटरी कनेक्शन है, ये देखिए, ये नेटवर्किंग है। ये है इस पैनल में। अभी हम लोग इसमें डिवाइस कैसे देख सकते हैं और टाइम और डेट कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। ये देखिए कमांड मेनू, इसमें आप लोग लॉगिन में जाना पड़ेगा, एंटर, फिर से एंटर, ये है पासवर्ड। ये देखिए लॉगिन हो गया है, अभी इसको एक बार एग्जिट कर लो, फिर से एंटर। अभी हम लोग टाइम और डेट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके नीचे आर्मर है, नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। लॉगिन, हिस्ट्री लॉग्स, सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक, टाइम और डेट। ओके, इस पर एंटर दबा दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम कितना है उतना चेंज कर सकते हैं। इसको देखिए, ये बटन से हम लोग इसको AM, PM और ये पूरा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक हुआ है टाइम, यहाँ पे आपको चेंज करना है, दो चेंज कर सकते हैं इसको 12 से, इस तरह चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ को इस तरह चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद एंटर कर दीजिए, ये टाइम और डेट अपडेटेड। और वैसा कैसे हो, इस तरह टाइम और डेट हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, और हिस्ट्री लॉक कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी देखिए सेम ऐसा ही है। आर्लिस हम लोग पासवर्ड डाल दिए, इसलिए कोई मसला नहीं है। ये देखिए हिस्ट्री लॉक, एंटर दबा दीजिए। ये देखिए, ए अलार्म लॉक, सुपरवाइजरी लॉक, ट्रबल लॉक और कॉल लॉक, इस तरह रहता है इसमें। आपको जो भी है देखिए इसमें जाके आप एंटर कर दीजिए। ये देखिए टाइम और डेट और दिखाएगा आपको, M1 फोर कॉरिडोर नियर इलेक्ट्रिकल रूम, ये पुल का मतलब है पुलिस स्टेशन 5। ये इस तरह आप हिस्ट्री लॉक चेक कर सकते हो। और इसमें क्या क्या है, आपको बैटरी चार्जर मीटर, इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग, बैटरी मीटर, हार्डवेयर रीसेट और क्लियर टैली और ट्रबल, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। और बेसिकली जो भी चलेगा आपको टाइम और डेट का चलेगा। और अभी देखिए इसमें कुछ डिवाइसों को देखना है आपको, डिवाइस नंबर या लोकेशन, तो आप इसमें जा सकते हो। देखिए आर्लिस यहाँ पे कंट्रोल एंड व्यू है, एंटर मार दीजिए। ये देखिए आईडी नेट रहेगा आपको, और रिले रहेगा, और नेट रहेगा, और स्विचेस रहेंगे, LEDs रहेंगे और सिस्टम रहेगा।
और हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ होता है, आईडी नेट, यानी कि समझो डिवाइस है। इसको एंटर कर दीजिए, ये देखिए M1 इलेक्ट्रिकल रूम, LPG कंट्रोल पैनल, अलार्म, ओके। ये देखिए इलेक्ट्रिकल रूम किचन आउट नॉर्मल, यह है स्मोक, पुलिस स्टेशन स्मोक, हीट हीट हीट, स्मोक स्मोक, पुलिस स्टेशन। इस तरह आप हर डिवाइस को लोकेशन और नॉर्मल भी है या नहीं है ये भी चेक कर सकते हैं। ये अलार्म का मतलब होता है कंट्रोल मॉड्यूल है, और फायर का मतलब होता है मॉनिटर मॉड्यूल है। ये ट्रबल का भी मॉनिटर मॉड्यूल है, प्रोग्रामिंग के थ्रू आप लोग कर सकते हो, इस तरह आप लोग चेक कर सकते हो। अभी देखिए फॉर एग्जांपल के लिए आपको किसी डिवाइस को डिसेबल करना है, बस आप उस डिवाइस के पास जाके, अभी दिख रहा है आपको एनेबल और डिसेबल, बस उसको दबा के, यहाँ पे ऑलरेडी एनेबल बता रहा है आपको, डिसेबल दबा के एंटर एंटर करना पड़ेगा, तब ये डिवाइस जाके आपको डिसेबल हो जाता है। सेम इसी तरह अगर से आपको एनेबल भी करना है तो आपको ऑलरेडी ट्रबल या अलार्म में आया होगा तो वहाँ पे क्लिक करके उसके बाद डिसेबल बटन दबाओ, उसके बाद एनेबल या डिसेबल करके एंटर कर सकते हो। आप इस तरह इस सिस्टम में एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो और टाइम और डेट भी चेंज कर सकते हो। लेकिन देखिए जो फायर अलार्म सिस्टम में मोस्ट ऑफ दी दो पार्ट्स होते हैं, इसमें से जो है एक फील्ड रहता, एक जो है पैनल का ऑपरेटिंग रहता है। आपको पैनल ऑपरेटिंग मैक्सिमम मालूम रहेगा तो फील्ड में थोड़ा प्रेशर कम पड़ता है आपको, जब इसका ऑपरेटिंग कम मालूम होता है तो फील्ड में ज़्यादा पड़ता है प्रेशर। इस तरह मेरे हिसाब से जो हर पैनल का ऑपरेटिंग लाजिम सी बात है, और कौन सी चीज़ किधर से जा रही है, कैसा लगा सकते हैं, ये हम लोग को जानकारी लाजिम रहना चाहिए। देखिए और इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और इसमें कुछ भी कमी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं खुश होता हूँ कि सीखने के लिए। और आप लोग को इसमें जो भी जानकारी कुछ जो भी मिलेगी मुझे, मैं आपके लिए और एक वीडियो बनाऊँगा, जो भी ट्रबल आएगा, एक ग्राउंड फॉल्ट आएगा, लूप ओपन आएगा, लूप शॉर्ट आएगा, तो मैं इसके बारे में लाजिम बना दूंगा आप लोग के लिए, ओके। चलिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए और लाइक और सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिए।